दोस्तों इस वीडियो में आपको 6 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो 10,000 रुपए के नीचे आते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का जो बजट होता है वो 10,000 रुपए तक का होता है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा फोन कौन सा हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 6 ऐसे स्मार्टफोन जो 10,000 रुपए से नीचे आते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को लेकर तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हां फ्रेंड्स, अगर बात करूं यहां पे जो लिस्ट में मैंने नंबर 1 पे फोन रखा है वो है Infinix Smart 3 Plus। ये कंपनी अब फिर से अच्छे-अच्छे फोन लेकर के आ रही है। तो इस फोन में आपको 6.21 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, MediaTek का Helio वाला A22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 13+2 मेगापिक्सल का इसमें बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 3500 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, 2GB 32GB स्टोरेज के साथ आएगा, साथ ही साथ में आपको एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो ये आपको 6999 में देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से 6999 वाला 7000 में आपके लिए अच्छा फोन है, अगर आप चाहें तो इस फोन की साइड भी जा सकते हैं। बात करें हम लोग अपने दूसरे फोन के बारे में, तो आपका आता है Samsung का M10। ये काफी अच्छा फोन है, इसमें आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको फ्रंट में भी 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूं यहां पे तो आपको 3400 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं यहां पे तो आपको Exynos का 6739 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मतलब इतने प्राइस में ये सारी चीजें Samsung लेकर गया है, तो ये काफी ज्यादा कमाल फोन है। बात करूं मैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस है वो 7999 है। अगर आपकी पॉकेट 8000 रुपए बोल दियो तो मैं आपको ये फोन जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि Samsung का है ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। बात करें हम अगले फोन के बारे में, तो ये फोन काफी ज्यादा कमाल है। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं Realme 3 के बारे में। इसमें आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं यहां पे आपको तो Helio का MediaTek वाला P70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, RAM 3GB 32GB के साथ आएगा, साथ में इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करूं यहां पे तो 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा और 13 मेगापिक्सल का ही आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करूं मैं यहां पे इसकी बैटरी के बारे में, तो यहां पे आपको 4230 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी, लास्ट बैटरी है। और बात करें हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो ये 8999 में आता है। 9000 रुपए में ये काफी ज्यादा कमाल का फोन है। आप चाहे तो इस फोन को मेरी तरफ से आंख बंद करके खरीद सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट फोन है जो कि मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है 9000 की लिस्ट में। वैसे अगर आप Realme के फैन नहीं है, तो मैंने यहां पे 9000 रुपए की प्राइस में एक और फोन रखा है। ये फोन बहुत ज्यादा कमाल का फोन है, हाल ही में लॉन्च किया है ये फोन। ये आता है Infinix का S4। ये फोन काफी अच्छा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि Infinix काफी अच्छे फोन लॉन्च कर रही है। मैं बात करूं यहां पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पे आपको 6.2 इंच की सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही साथ में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं यहां पे तो 32 मेगापिक्सल की इसमें आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। बैक कैमरे की बात करें तो यहां पे आपको 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 13+8+2 मेगापिक्सल का 3 कैमरे बैक में देखने को मिल जाते हैं। रैम की बात करूं तो 3GB 32GB स्टोरेज के साथ आएगा, 4000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल काफी ज्यादा कमाल का फोन लॉन्च किया है Infinix ने। अगर आप चाहें तो 3 कैमरा वाला फोन भी प्रेफर कर सकते हैं 9000 रुपए की प्राइस में, साथ ही साथ में आपको सेल्फी तो कमाल की मिल जाती है 32 मेगापिक्सल की। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप Realme के फैन नहीं है तो Infinix के इस फोन की साइड भी जा सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अंडर 7000 रुपीज में अगर आपकी पॉकेट 7000 रुपए से नीचे बोलती है तो कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। तो वो वाली वीडियो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में घंटी को तो जरूर दबाना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले फोन के बारे में, तो ये आपका आता है Asus का Zenfone Max Pro M2। काफी ज्यादा कमाल का फोन था उस टाइम पर, ये थोड़ा सा महंगा भी था, 13-14 हजार रुपए का था, और इस टाइम पर ये आपको मात्र 9999 में देखने को मिल रहा है। जी फ्रेंड्स, 10,000 रुपए में आपको इसमें 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बैटरी इसमें आपको 5000 एमएएच की देखने को मिल जाती है, और इसमें प्रोसेसर जो मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 660 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है,
बात करूं यहां पे इसके कैमरे के बारे में तो 12+5 मेगापिक्सल का आपको इसमें बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये भी काफी अच्छा फोन है अगर आप Asus के फैन हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी फोन अच्छा लगता है, कोई फोन खरीदना चाहते हो, सारे फोन के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के इजी तरीके से यहां से परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले फोन की तरफ जो हमारी लिस्ट में आता है, और ये फोन जो लास्ट है लिस्ट का, और ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस फोन ने अभी पूरी मार्केट को हिला दिया था। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं Redmi के Note 7 के बारे में। इस फोन में आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 12+2 मेगापिक्सल का इसमें आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल की इसमें आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। बात करूं मैं यहां पे इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहां पे आपको Qualcomm का Snapdragon वाला 660 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट के साथ आता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 3GB 32GB स्टोरेज के साथ आता है। मैं बात करूं इसकी प्राइस के बारे में तो ये आपको 9999 रुपए में देखने को मिल जाता है। तो ये फोन भी काफी ज्यादा कमाल का फोन है जो Redmi की तरफ से हाल ही में लॉन्च किया था। तो अगर आप Redmi के फैन हैं तो Redmi का Note 7 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाय। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया 6 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपके अंडर 10,000 रुपीस में आते हैं। आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप इन सारे फोन में से कौन सा फोन प्रेफर करना चाहोगे। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके। ओके, तो बस यार आज वीडियो में सुनाए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में घंटी को जरूर दबा देना जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।